नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। ये देख रहे हैं, ये टफी है। हाँ, तेरे को भी दिखाता हूँ। हाँ, ये शैली और ये एली। पर ये टफी को चल में हुआ क्या था कि 2-3 दिन से ये उल्टी कर रहा था, तो मुझे मुझे लगा नॉर्मली उल्टी कर रहा होगा, तो रीज़न मुझे खुद पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि पहले भी उल्टी करता था, बट ये जब खाना अनडाइजेस्ट हो रहा था तभी करता था, पर अभी का मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों कर रहा है ये उल्टी, क्यों कर रहा है। तो जब मैंने इसको डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर का बोलना ये था कि अभी गर्मी से जैसे बरसात अभी आ रही है, तो होता क्या है कि इस समय जो डॉग्स होते हैं या कोई भी ऐसा पेट्स होते हैं, तो उनके पेट में क्या है, इनका पेट बहुत सेंसिटिव होता है, तो होता है कि उनके पेट में वॉर्म्स मतलब कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो इसको होता क्या है कि हम तेरे को भी दिखा देता हूँ, कैमरे में लो, तुम दोनों को भी दिखा देता हूँ। तो हाँ, तेरे को भी सामने आना है, ठीक। तो होता क्या है कि ये दूध बहुत पीता है, तो इसको जब मैंने दूध देना चालू किया, ये बचपन से पी रहा है दूध, इसको दूध बहुत अच्छा लगता है, मतलब दूध की बनी कोई भी चीज़, पनीर, घी, दही सभी खाता है। तो होता है क्या है कि ये दूध जब दे रहा था दे, तो चाव से तो पी लेता था, पर होता क्या उल्टी करना चालू कर देता था। तो मुझे समझ आ गया कि ये दूध इसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको जब मैं कुछ दिन से ये लेजी टाइप का भी हो गया था, जब डॉक्टर के पास इसको लेके गया, तो डॉक्टर ने कुछ मुझे एंटीबायोटिक्स कुछ इसको इंजेक्शन दिया, और कुछ कंटिन्यू पिलाने के लिए कुछ सिरप वगैरह दिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कौन से सिरप मैं इसको दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जब सिरप मैंने देना चालू किया, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब दूध को भी देता हूँ तो डाइजेस्ट कर लेता है, बट मैं सिरप कौन सा दे रहा हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। डॉक्टर ने सबसे पहले ये O2, ये आप देख रहे होंगे, O2 सस्पेंशन है, ओरल सस्पेंशन है। तो इसको 2 ml मुझे पिलाने के लिए बोला था, तो इसको 2 टाइम पिलाना है, 2-2 ml करके बताया था। और एक और था ये ऑनडेम का ओंडास्ट्रोन ओरल सॉल्यूशन, एक्चुअली ये इसको 1 ml पिलाने के लिए होता है। ये होता क्या है कि ये जब उल्टी होती है, डॉक्टर जब आपका उल्टी करता है, तो इसको अगर 1 ml पिला देंगे तो उल्टी करना थोड़ा बहुत रुक जाता है। और ये O2 क्या करता है कि O2 मतलब ये बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक है, इसको कंप्लीट करता है, मतलब पेट में जितने कीड़े वीड़े रहते हैं, इन्फेक्शन रहता है, तो उसको बुरी तरह खत्म करता है। तो जब मैंने इसको देना चालू किया, तो ये कंटिन्यू इसको 2-3 दिन तक पिलाया, तो उसके बाद बहुत ही अच्छा हो गया। अब दूध भी देता हूँ तो दूध को डाइजेस्ट कर लेता है, और ये दोनों को तो जानते ही हो, हमेशा शैतानी करते ही हैं, एली और शैली। और ये टफी है, अभी ये सोता ही रहता है, ज़्यादा सोता है, दिन में सोता है, मस्ती करता है तो बहुत करता है। अभी थोड़ी देर में उठेगा, फिर उसके बाद इस दोनों इसको घुमाने ले जाना पड़ेगा मुझे बाहर। और ये दोनों तो एनी टाइम जब भी देखो उठोगे तो मस्ती करते ही हैं। तो दोस्तों, अभी तक मुझे ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है कि अगर आप लोगों को भी, अगर पेट्स लोगों को या आपके डॉग्स वगैरह रखे होंगे, उनको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसका सोल्यूशन आप इस वीडियो के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।